नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की सक्सेस स्टोरी में बात करने जा रहे हैं एक गंभीर और लाइलाज बीमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आजकल हर एक किसी व्यक्ति में भी मिल सकती है। इस प्रॉब्लम में मरीज कुछ भी सही से खा पी नहीं पाता है। अगर कुछ भी खाता है तो सही रूप से वो डाइजेस्ट नहीं होता है। कई बार तो ये देखा जाता है कि मरीज के स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सर की समस्या खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो अगर थोड़ा सा भी मसाला खा ले तो उसे वॉमिटिंग, एनीमिया, ब्लोटिंग, वीकनेस और वेट लॉस जैसी ऐसी परेशानियां खड़ी होने लगती हैं, जिसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई पुख्ता इलाज नहीं है, बल्कि इस बीमारी को दबाने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन ये दवाइयाँ कुछ टाइम के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए चलती रहती है, और डॉक्टरों के द्वारा भी कहा जाता है कि ये एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मदद से हमने आज तक ऐसे कई पेशेंट्स को ठीक करा है जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और अल्सराइटिस जैसी गंभीर बीमारी थी, वो भी केवल मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही पेशेंट अनिल कुमार जी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें करीबन 10 साल से गैस्ट्रिक अल्सराइटिस की परेशानी थी, जहां उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, कई प्रकार की एलोपैथी दवाइयां ली, लेकिन उनकी परेशानी ठीक होने के बजाय और बढ़ती चली गई। फिर इसी दौरान उन्होंने ऑनलाइन काफ़ी रिसर्च किया और इस रिसर्च में उन्हें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में पता चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कंसल्ट किया और उनकी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाना शुरू किया, और ट्रीटमेंट के स्टार्ट करते ही उन्हें कुछ ही दिनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखने लगा। वहीं ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हुए 4 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वे पूर्ण रूप से ठीक हो गए और आज एक स्वस्थ और सामान्य जीवन बिता रहे हैं। जहां वो पहले हल्का सा भी मसालेदार खाना नहीं खा पाते थे, आज वो सब कुछ खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं मिस्टर अनिल कुमार जी से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ गैस्ट्रिक और अल्सराइटिस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं राजेंद्र नगर इंदौर से रहने वाला हूँ, और मेरे को लास्ट 10 ईयर से एसिडिटी से रिलेटेड काफ़ी समस्या थी, तो एलोपैथी से मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन एलोपैथी के सब डॉक्टर यही बोलते थे कि आपको लाइफ में कभी चिली यूज नहीं करना है, आपको ये प्रिकॉशन रखना है, वो प्रिकॉशन रखना है। तो अल्टीमेटली मैंने ऑनलाइन अभी सर्च किया, तो उसमें अर्पित चोपड़ा जी का मेरे को रिव्यू अच्छा लगा, तो उसके बेस पे मैं इनके इनके ट्रीटमेंट पे गया, तो उसमें मेरे को अबाउट 4 to 5 मंथ में मेरे को कंप्लीट रिलीफ मिला है इसमें, और अभी मैं कुछ भी खा सकता हूँ, अभी मेरे को कोई इश्यू नहीं है इससे रिलेटेड। ऐसा मेरे को एलोपैथी में कभी ऐसा, मतलब मेरे को इससे पहले एक बार लाइकेन प्लेनस का भी इशू था, लेकिन वो भी होम्योपैथी के थ्रू गया है, तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बेस्ट है बजाय कि एलोपैथी, जबकि मैं एक्चुअल में एलोपैथी फार्मा से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, मतलब मैंने फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में हूँ मैं एक्चुअल में, लेकिन जितना होम्योपैथी इफेक्टिव है और ये परमानेंट ट्रीटमेंट है उतना एलोपैथी में नहीं है, और खासकर अर्पित चोपड़ा जी जिन्होंने हर एक लाइलाज बीमारी को भी इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल वे में ये ट्रीट करते हैं। मैंने पहले लाइकेन प्लेनस के लिए जो ट्रीटमेंट लिया था वो नॉर्मल होम्योपैथी थी, तो उसमें मेरे को लाइकेन प्लेनस में वो भी एक रेयर डिजीज है जो कि अननोन सोर्स से एलर्जी रहती है, उसमें जो एलोपैथी मेडिसिन है वो ऑलवेज ये सिट्रीजिन और ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं लाइफ टाइम, तो उस केस में कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, तो मैंने होम्योपैथी का एक ट्रीटमेंट लिया था अदर डॉक्टर से, लेकिन वो मेरा ट्रीटमेंट लगभग 1.5 ईयर चला था, तब जाके वो ट्रीट हो पाया था, क्योंकि वो ओल्ड होम्योपैथी था, ये मॉडर्न होम्योपैथी है जिसके अंदर मुझे 4 से 4.5 महीने के और 5 महीने के अंदर मेरे को इससे कंप्लीट रिलीफ मिल गया, जिससे मैं 10 साल से सफर हो रहा था। मैं मीन्स फूड का पूरा ध्यान रखता था, और बाकी मैंने आज तक मीन्स 10 ईयर्स में कभी चिली नहीं खाया है, विदाउट चिली पूरा फूड खाया है आज तक, और जब भी चिली के साथ खाता था तो मेरे को पेट में डिस्कम्फर्ट रहता था, तो यही मैं परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए इधर सर्च कर रहा था, तो उसमें मेरे को मतलब भगवान की दया से ये बेटर ऑप्शन मिला और मेरा ट्रीटमेंट सक्सेस भी हुआ। डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि इसमें मतलब उन्होंने पहले एंडोस्कोपी वगैरह की थी, तो उसमें उन्होंने माइनर अर्सल टाइप बताया था उस टाइम पे,
और उस टाइम उन्होंने ये भी बोला था कि अल्सर हील हो गया है, लेकिन आपको लाइफ टाइम में जब भी आप ये चिली का यूज करोगे तो ये दोबारा से हो जाएगा, आप रिकरेंस होगी। तो मतलब इसकी रिकरेंस को नहीं रोक पा रहे थे, उनके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं था। और अभी इन्होंने 5 महीने के अंदर मेरे को मतलब कोई कोई इशू ही नहीं आ रहा। अभी 1 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को कोई इशू नहीं आ रहा है इसके अंदर। 10 साल से मैं जो मिर्ची नहीं खा रहा था वो मैं अच्छे से सेवन कर पा रहा। मैं एक्चुअली मेडिसिन से जुड़ा हूँ तो मेरे को ये पता है कि होम्योपैथी जो है वो टोटली सेफ है, ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी में हमें भी पता है कि जो हम ट्रीट जो जिस चीज को ट्रीट करते हैं हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं एलोपैथी में, और होम्योपैथी में पूरे ऑर्गन को ध्यान में रखते हुए दवाई दी जाती है, और उस ऑर्गन को रिजवाइन किया जाता है, जिसके अंदर मीन्स जो ऑर्गन है उसको उस टाइप में बनाया जाता है जैसे गॉड हमें गिफ्ट करता है, उस नेचर में ये वापस ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जबकि एलोपैथी में क्या है, एलोपैथी में हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के टाइम कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं, वो हम सिर्फ एक लिस्टेड कर देते हैं कि ये साइड इफेक्ट है, इनके लिए आप ये अदर मेडिसिन लीजिए जिससे आपके साइड इफेक्ट डाउन होंगे, ये चलता है एलोपैथी में। होम्योपैथी में पूरा सेफ और परमानेंट ट्रीटमेंट है। टाइम ओल्ड होम्योपैथी में क्या है, टाइम ज्यादा लगता था तो इस वजह से उसको लोग प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी में वो कंसेप्ट भी इन्होंने अलग कर दिया है आरपी चोपड़ा जी ने, कि ये इसको और फास्ट कर दिया है। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये एलोपैथी के बजाय जो आरपी चोपड़ा जी की होम्योपैथी है वो बहुत बेटर है, और वो एक्चुअल में वो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी वर्ल्ड वाइड हुआ नहीं है। जब ये कंसेप्ट रिवेल होगा उस टाइम पे मैं तो यही सोचता हूँ कि इनको शायद कुछ प्राइज भी मिलना चाहिए जो बेस्ट है, और वो मिलेगा भी कभी आगे फ्यूचर में देखना, वो मिलेगा भी श्योर है, क्योंकि ये अभी इंदौर तक या नियर जो लोग जानते हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उनको पता है, जब ये सब कुछ रिवेल होगा उस टाइम पे ये बहुत नाम होगा इस चीज का। ऐसे बहुत पेशेंट है सर, लेकिन क्या है हर आदमी सही जगह पे नहीं पहुंचता है, वो सही जगह है और सही डायरेक्शन मिलना भी जरूरी है कि सही पर्सन के पास जाए वो। जैसे मैं एलोपैथी के सहारे था इतने दिन, मेरे को होम्योपैथी का अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो वो एक यहाँ मेरा संजोग हुआ कि मेरी यहाँ जॉब हुई और मैं यहाँ इनसे मिला, वरना मैं भी शायद ये ट्रीटमेंट ना ले पाता और मैं लाइफ टाइम उसी पे चल रहा होता। इन्होंने क्या है कि होम्योपैथी के केस में जो ओल्ड होम्योपैथी थी उस पे काफी कुछ इन्होंने रिसर्च किया है, और जैसा इनसे डिस्कस भी हुआ था कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इतने साल में, मतलब इन्होंने जो पढ़ाया गया है इनको बुक्स में उसको यूटिलाइज तो किया है, लेकिन उसको एज इट इज यूटिलाइज नहीं किया है, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च भी किया है और उसको आगे बढ़ाया है। जैसे बुक्स में है या अभी क्या है ओल्ड होम्योपैथी कंसेप्ट चल रहा है, तो जब इनका कंसेप्ट अगर आएगा तो उस टाइम शायद एलोपैथी को होम्योपैथी पीछे छोड़ दे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को तो एक टाइप से मेरे को एक्चुअल में क्या लग रहा था अभी कि ये जो अल्सर टाइप में है ये कहीं आगे जाके कुछ क्रिटिकल डिजीज ना बन जाए, एक्चुअल में मैं उसके लिए डॉक्टर सर्च कर रहा था कि ये जिस स्टेज में है कम से कम ये उसी स्टेज में इनहिबिट होकर रहे जो एलोपैथी करती है, लेकिन इन्होंने उसको इस टाइप से कर दिया है कि अभी कोई मेरे को इश्यू नहीं है, जो 10 साल से मेरे को प्रॉब्लम थी वो रिजोल्व कर दिए इन्होंने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इनका। और मैं तो यही चाहता हूँ कि इनका ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे ट्रीट हो, ताकि क्योंकि ये क्रिटिकल से क्रिटिकल डिजीज को इतना इजीली हैंडल करते हैं, ये कॉन्फिडेंस भी बहुत रेयर केसेस में होता है, और खासकर होम्योपैथी के बहुत ही रेयर केसेस में डॉक्टर हैं जो इतना ज्यादा रिसर्च किया है, मेरे को नहीं लग रहा ऐसा कोई है, और इतनी कम एज में, क्योंकि मैंने जो देखे हैं वो बहुत एज डॉक्टर थे जिन बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर थे जो कि ओल्ड होम्योपैथी में जिनका नाम था, लेकिन उनमें टाइम लग रहा था, जैसे 1.5 साल लग रहा था, 2 साल लग रहे थे, ऐसा चल रहा था। इन्होंने मतलब ये 4-5 महीने के ट्रीटमेंट में सब ट्रीट कर सकते हैं। पैसों की दृष्टि से भी अगर आप वैसे सोचोगे एक बार में कि ये फीस लग रही है, वैसे भी एलोपैथी में अगर जाओगे तो इतना खर्चा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ नॉर्मल सब लोग एक्चुअली होम्योपैथी पे कब आते हैं, जब आदमी बिल्कुल थक चुका होता है ना एलोपैथी में बिल्कुल, कि बस इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब एज ए ऑप्शन लेता है इसको, एज ए लीड नहीं लेता कि सबसे पहले होम्योपैथी पे चला जाएगा। मोस्टली लोग जो इतने यहाँ आते हैं वो सब थक हार के आते हैं कि लास्ट में बस अब यही सहारा है, अब हमें अगर यहाँ निकल गए तो शायद हो जाए बाकी, क्योंकि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा चुके होते हैं उस टाइम पे यहाँ आते हैं, उस केस में उन उन पेशेंट्स को ये ट्रीट करते हैं। तो मेरी तो यही है कि इनका काम और आगे अच्छा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा
बेटर ट्रीटमेंट दे पाए लोगों को, कॉस्ट इफेक्टिव ही। अगर किसी आदमी का इस टाइप की कंडीशन में आ रहा है, उसका ऑपरेशन होगा, तो ऑब्वियसली उसको 1-1.5 लाख खर्चा लगने वाला ही है। वही अगर ट्रीटमेंट इनका कितना, इतना ज्यादा कोई इनकी कॉस्टिंग नहीं है, और मेनली इसमें कोई कट और वैसा कुछ भी इशू नहीं है, नॉर्मल आपको गोलियां खानी है क्या उस, और वो भी बिल्कुल सिंपल वे में है, कुछ है नहीं उसमें, वो इजी टू यूज है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये थे अनिल कुमार जी, जिन्होंने बताया कि 10 साल से गैस्ट्रिक अल्सराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से परेशान होने के बाद जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों पर अपना विश्वास दिखाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, जिसके लिए वे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयां गैस्ट्रिक और अल्सराइटिस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर या एक तरीके से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चूंकि ये जो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और काफी सारे लोगों में ये बहुत ही कॉमन अवस्था में पाया जाता है, पर चूंकि ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और इसमें लोग काफी सालों तक परेशान होते रहते हैं और ज्यादातर इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए लोग एंटासिड खाकर किसी भी तरीके से उसे मेंटेन करने के लिए सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पर चूंकि दोस्तों ये एक थ्योरी होती है कि जब तक वो दवाई खाते हैं तब तक उसका असर होता है, पर चूंकि जो भी दवाइयां खा रहे होते हैं वो भी किसी न किसी फॉर्म में केमिकल का समावेश लेकर MG के फॉर्म में जब आपकी बॉडी में जाता है तो उसी स्टमक के अंदर जाकर आज के डेट में तो वो आपके लिए काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस केमिकल का साइड इफेक्ट लंबे समय तक लेने के कारण उसी म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई भी दवाई अगर आप लंबे समय तक खाते हैं तो उसका नुकसान और ज्यादा बढ़ता जाता है और एक लेवल ऐसा जाता है जब ये हाइपर एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के लिए जो लंबे समय तक खाने वाली दवाइयों के कारण कई बार पेप्टिक अल्सर, डियोडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इस तरीके की अल्सर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, और ऐसे अल्सर जब प्रोड्यूस होने लग जाते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी सर्जिकल ऑप्शन पर जाना पड़े या एक तरीके से आपको बहुत सारे परहेज का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़े और जीवन भर दवाई खाने की प्रतिकूलता के कारण भी कहीं ना कहीं आपको दूसरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इसी तरीके की समस्या से जूझ रहे मिस्टर अनिल कुमार, जो कि मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं लेकिन अब इंदौर मध्य प्रदेश में रहकर चूंकि वो फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एसोसिएटेड हैं तो कहीं ना कहीं उनका मेडिकल जो नॉलेज है काफी एलोपैथी के लिए बहुत अच्छा है और उन्हें बहुत सारा नॉलेज ये भी है कि एलोपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी इस तरीके की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए चूंकि केमिकल का ट्रीटमेंट होता है इसलिए पूरी तरीके से परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए उन्होंने होम्योपैथी को सेलेक्ट किया। उन्होंने हमारे ऑनलाइन रिव्यू पढ़ के या हमारे वेबसाइट के थ्रू जिस तरीके से उन्होंने या एक तरीके से कह सकते हैं यूट्यूब के चैनल पर जो हमने 3000 से ज्यादा पेशेंट जो चैनल और वेबसाइट पर जो पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर, उन पेशेंट के डॉक्यूमेंट्री के आधार पर, उनके बोले हुए शब्दों के आधार पर, उनके लिखे हुए रिव्यू के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने हमको समझा तो अब उन्हें एक चीज समझ में आई कि होम्योपैथी जो बेसिक ओल्ड सिस्टम से चलती है उससे हमने डिफरेंट करके जो सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट मॉडर्न होम्योपैथी बनाया है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्रिटिकल सर्जिकल लाइलाज या कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए जहां पर एलोपैथी या दूसरे सिस्टम फेल हो रहे हैं उसके लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। उन्होंने हमसे इसी विश्वास के साथ कांटेक्ट किया और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि 10 साल पुराना गैस्ट्रिक एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर की उनकी जो प्रॉब्लम जिसके कारण वो बिल्कुल बिना मिर्च के रहने के लिए मजबूर थे, वो किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का चिली 10 साल से नहीं ले पा रहे थे, आज उन्होंने 4 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक किया और अब बिना किसी दवाइयों के सपोर्ट के और जब उन्होंने बताया कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, हमने अपना मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी अब पूरी तरीके से बंद कर दिया है और आज हम कह सकते हैं कि मिस्टर अनिल कुमार जी फिजिकली पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर, मेंटली पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर और अब अपना पारिवारिक जीवन भी अच्छे से जी सकते हैं, सामाजिक जीवन भी अच्छे से जी सकते हैं, वो जहां चाहे जैसा चाहे खाना खा सकते हैं, उसमें उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि इस खाने में कहीं मिर्च है, कहीं स्पाइसी है तो हो सकता है कि उन्हें दूसरी तकलीफें होने लगे और जिस तरीके से उन्हें बताया गया था, डराया गया था कि इससे उन्हें आगे जाकर काफी सारी दूसरी समस्याएं हो सकती है, उसका जो डर था वो भी अब पूरी तरीके से उन्होंने मुक्त कर लिया है और अब वो फिजिकली, मेंटली और सोशली कॉन्फिडेंट होकर कहीं ना कहीं समाज में अपना अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, अपने बारे में बता पा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपने शब्दों में जिस तरीके से अच्छे से उन्होंने एलोबरेट भी किया कि किस तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्होंने अपनी वर्षों पुरानी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम को केवल 4 महीने के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से परमानेंट, बिना साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट लेकर पूरी तरीके से ठीक किया। तो निश्चित रूप से दोस्तों इनका जो अनुभव है वो काफी सारे पेशेंट्स के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं साबित होगा और अगर हम बात करें गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी या इनडाइजेशन से रिलेटेड
रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, जिसमें हम बात कर सकते हैं मिस्टर पीके चौहान साहब, जिन्होंने जीईआरडी के लिए, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के लिए केवल 15 दिन के मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से उन्होंने पूरी तरीके से अपनी समस्या का समाधान किया था। हम बात कर सकते हैं मिस्टर विशेष जोशी जी की, जिन्होंने करीब 35-40 साल पुराना अपना इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कुछ समय का ट्रीटमेंट लिया और उसके कारण आज वो पूरी तरीके से अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में भी की थी। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाकर इन सभी पेशेंट्स के बारे में उनके द्वारा बताए गए शब्दों को सुन सकते हैं, उनके द्वारा बताए गए एनालिसिस को अच्छे से विवेचना कर सकते हैं। दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं आपको मेटाबॉलिज्म से ऊपर से भी कंट्रोल करता है, आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में भी इस बात की पुष्टि होती है, कहीं ना कहीं आपके बॉडी रिस्पॉन्स को भी एक्टिव करते हैं और अंदर से मेटाबॉलिज्म को रिकवर करके हम आपका बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स वापस देते हैं। तो दोस्तों, हमारा एक विजन है कि हम किसी चीज को बचाव करने के बजाय हम उस बीमारी पर अटैक करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कहना है कि आप बीमारी से जिंदगी भर बच नहीं सकते, आप खान पान का जो परहेज है वो जिंदगी भर कर नहीं सकते। हमारे जीवन जीने की जो जिस तरीके का तरीका होता है, जो कि कई बार लोग एडवांस लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे होते हैं, तो हमारा कहना है कि आप अपना बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव रखें, अपना रिस्पॉन्स मेंटेन रखें और कोई भी ट्रीटमेंट जब आप लेते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य आपको ठीक होना चाहिए, ना कि केवल बचाव करने का उद्देश्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बचना इलाज नहीं होता, आपका हमेशा ठीक होना ही आपका परमानेंट इलाज होता है और वो परमानेंट इलाज ही आपको आगे के लिए मेंटली, फिजिकली और सोशली वेलबींग देकर हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन को पूरा कर पाता है, जिसके लिए आप मेडिकल साइंस से उम्मीद करते हैं और कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास भी किया जाना चाहिए। और दोस्तों, इसी तरीके से हम बात करेंगे कुछ अन्य पेशेंट्स की, जैसे कि मिसेस शांता पुरवाल, जो कि ताल जिला रतलाम मध्य प्रदेश की रहने वाली है। 2015 से उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का जो उपयोग किया कि केवल 3 से 4 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी लाइलाज बीमारी पर विजय प्राप्त करके आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। मिसेस सीमा बड़जातिया, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिन्होंने अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए केवल 4 से 6 महीने का जो ट्रीटमेंट उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो उन्होंने हमसे लिया, उसका फायदा ये मिला कि आज भी 2 से 2.5 साल हो चुके हैं मिसेस सीमा बड़जातिया जी आज इस बीमारी से पूरी तरीके से मुक्त होकर आज स्वस्थ जीवन जी पा रही है। मिसेस शुभा अग्रवाल जी, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपने वर्षों पुरानी अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी को जड़ से समाप्त किया। हम बात करेंगे मिस्टर इलियास फारूकी साहब की, जिन्होंने करीब 40 साल पुराना अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से चमत्कारिक रूप से अपने आप को ठीक करके दुनिया के सामने प्रेरणा के रूप में साबित किया। हम बात करेंगे मिस्टर मृदुल शुक्ला जी की, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी को ठीक किया। हम बात करेंगे मिस्टर सुनील त्रिवेदी जी की, जिन्होंने इरिटेबल बावेल डिसीज IBD या फिर IBS इरिटेबल बावेल सिंड्रोम की बीमारी को केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक किया। हम बात करेंगे मिस्टर सरफराज खान जी की, जिन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी से अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करके दुनिया के लिए प्रेरणा के रूप में साबित भी हुए। दोस्तों, इसी श्रेणी में हम बात करने जा रहे हैं लीवर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम, फैटी लीवर के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मिस्टर संदीप शर्मा जी की, जिन्होंने फैटी लीवर ग्रेड 3 के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट प्राप्त किया और केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट में उन्होंने जो ग्रेड 3 फैटी लीवर है पूरी तरीके से रिकवर करके सामान्य अवस्था में प्राप्त किया। लीवर की जो उनकी फैटी लीवर ग्रेड 3 की अवस्था थी पूरी तरीके से सामान्य हुई और निश्चित रूप से केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से उन्होंने लीवर का जो कॉम्प्लिकेशन आगे जाकर हो सकता है लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर में कन्वर्ट हो सकता था, उससे भी अपने आप को पूरी तरीके से बचा लिया। मिस्टर अमित मिश्रा जी, जिन्होंने अर्ली लीवर सिरोसिस और साथ में फैटी लीवर की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। दोस्तों, गॉल ब्लैडर में अगर कोई स्टोन होता है तो गॉल ब्लैडर उसके कारण रिमूव कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से आगे जाकर डाइजेशन संबंधी कई प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम आने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमारा मैसेज है कि गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। आप निश्चित रूप से इससे अपनी सर्जरी भी बचा पाते हैं। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो मिसेस अनिका सैयद, जिन्होंने 9 mm का करीब मल्टीपल स्टोन्स के जितनी भी प्रॉब्लम थी केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से पूरी तरीके से रिकवर किया बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी अन्य दवाइयों के सपोर्ट के, और आज भी वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही है। मिस्टर रवि भाटी, जिन्होंने 6, 8 और 9 mm के 3 स्टोन केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी से रिकवर किया। मिसेस नैना लोनावत, जिन्होंने करीब 7 mm का स्टोन केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से रिकवर किया। मिस्टर मिश्रा, जिन्होंने 7 mm का रीनल स्टोन केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से डिसॉल्व किया। मिस सिमरन, जिसने गॉलब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से रिकवर किया। मिसेस अनारकली यादव जी, जिन्होंने केवल मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से अपना 7 mm का कॉमन बाइल डक्ट में फंसा हुआ स्टोन पूरी तरीके से डिसॉल्व किया और आज भी बिना सर्जरी के वो अपना स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे मिसेस आम्रपाली जठार, उनका 2 बार ऑपरेशन किया गया किडनी से रिलेटेड स्टोन के लिए और उसके साथ
बॉर्डर में स्टोन था। और दोस्तों ये चमत्कार था मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का कि केवल एक महीने के ट्रीटमेंट से उनका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन था, कोलीलिथियासिस की प्रॉब्लम थी, पूरी तरीके से ठीक हुई, स्टोन पूरी तरीके से डिसॉल्व हुआ और उनका गॉल ब्लैडर ऑपरेट होने से भी बच गया। और एक महीने का जो ट्रीटमेंट हमने जो आगे दिया उसके बदौलत उनका जो रीनल स्टोन का जो प्रॉब्लम था, किडनी में जो बड़े स्टोन थे, वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर पूरी तरीके से ठीक हुए। तो दोस्तों अंत में यही मैसेज देना चाहूंगा कि जिस तरीके से करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट जो 300 प्रकार की बीमारियों में, चाहे वो स्टेज 1 से स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, किडनी फेलियर के स्टेज 1 से स्टेज 5 तक के पेशेंट हो, ऑटोइम्यून बीमारियों से ग्रसित ऐसे पेशेंट जिन्हें जिंदगी भर स्टेरॉइड या पेन किलर खाने की डिपेंडेंसी के बारे में बोला गया हो, कई प्रकार की सर्जिकल ऑप्शन वाले पेशेंट्स जिन्हें निश्चित रूप से सर्जरी के बारे में बताया गया था या एक तरीके से सर्जरी के बावजूद भी रिकरेंस होने की स्थिति बोली गई थी, ऐसे कई सारे बीमारियों के लिए कई प्रकार के लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, मिर्गी, माइग्रेन या अस्पताल में गंभीर रूप से भर्ती मरीज जो क्रिटिकल स्टेज पर जा चुके हैं, इवन जो कोमा तक की स्थिति में पहुंच चुके हैं, ऐसे कई सारे पेशेंट्स के लिए मॉडर्न होम्योपैथी आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। और निश्चित रूप से अगर इन 3000 पेशेंट के डेटा में से किसी भी एक पेशेंट के डेटा से, उनके लिखे हुए शब्द से, उनके बोले हुए शब्दों से, निश्चित रूप से आप उनकी रिपोर्ट्स को देखकर आप किसी भी पेशेंट की प्रेरणा से किसी भी एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारा प्रयास है और हमारा विश्वास है कि जिस तरीके से इन 3000 पेशेंट्स के जो चेहरों पर मुस्कान लाकर जिस तरीके से हमने मॉडर्न होम्योपैथी का चमत्कार उन्हें प्रदान किया है, अगर दोस्तों आपको लगता है कि इनमें से किसी भी 300 प्रकार की बीमारियों के लिए आपको हमसे कंसल्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इंदौर स्थित आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आकर हमसे फेस टू फेस कंसल्टेशन लेवे। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं डिटेल्स हमें व्हाट्सअप या ईमेल के माध्यम से प्रेषित कर देवे, हम लोग आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन बात करके आपके लिए जो मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की जो फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव, नेचुरल, सेफ और परमानेंट जो किट बनेगी, जो कि एक तरीके से आपकी सभी बीमारियों को कंबाइन करके हम एक ही किट में कवर करने की जो कोशिश करेंगे, उसे घर बैठे भी कुरियर के माध्यम से भेजकर आपको दुर्गम से दुर्गम, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन या सर्जिकल से सर्जिकल कैटेगरी की जो बीमारियां हैं उससे बचाव करने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का फायदा देकर एक कदम मॉडर्न होम्योपैथी से आगे बढ़ाकर पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों जिस तरीके से इतने सारे पेशेंट्स ने केवल मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर अपनी जो लाइलाज बीमारियां जो कि जीवन भर लाइफस्टाइल के साथ उन्हें परेशान करती और उन्हें जिंदगी भर बचाव करने के लिए और एक तरीके से हो सकता आगे जाकर सर्जरी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता, उससे उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को मुक्त कराया और आज वो फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग लेकर अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, खुशहाल जीवन जी पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं इस तरीके की गैस्ट्रिक रिलेटेड, डाइजेस्टिव रिलेटेड या किसी भी प्रकार की आप समस्याओं के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट का फायदा लेकर आप इन समस्याओं का अंत करें और स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन प्राप्त करें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर, थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों ये थे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि केवल अनिल कुमार ही नहीं बल्कि ऐसे अन्य कई पेशेंट्स थे जो कि गैस्ट्रिक, अल्सराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया तो आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि कैंसर, किडनी, ऑटो इम्यून से जुड़ी हुई ऐसी अन्य कई गंभीर बीमारियों को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है, वो भी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से। तो दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार की गंभीर या सामान्य बीमारी से परेशान हैं तो आप भी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर अपना विश्वास दिखाएं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए मददगार साबित हो सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। टेक केयर।